कांग्रेस नेता खेड़े पर हुए कानूनी बखेड़े की, उसके बाद बात होगी प्रयागराज से सपा विधायक पर सजा के ऐलान की, फिर रुख करेंगे यूपी विधानसभा का, जहां पर विपक्ष योगी सरकार पर जातीय जनगणना को लेकर हमलावर रहा। उसके बाद बात बिहार के में बीटीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पांच शहर पांच खबर। तो सबसे पहले बात दिल्ली के एमसीडी सदन में हंगामे की, जहां पर दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद अब स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर एमसीडी सदन में रात से लेकर सुबह तक हंगामा जारी रहा। गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आपके पार्षद वोट कराने को लेकर नारेबाजी करने लगे। वहीं भाजपा के पार्षद भी मेयर के आसन के सामने पहुंच गए और इसके बाद सदन की बैठक को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त दिनकर आनंद लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। दिनकर, आज फिर से सदन में डिशुम डिशुम हुआ, हालांकि ये पहली बार नहीं है। जब मेयर डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हो रहा था कुछ दिन पहले, तब भी माननीय का यही चेहरा दिनकर सामने आया, और कल रात को फिर, और आज सुबह फिर यही हाथापाई। ये वही पार्षद हैं, ये वही जनप्रतिनिधि हैं दिनकर, जिनको जनता ने चुना है। जी शिवम, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जब कल पूरा देश जब सो रहा था, उस वक्त दिल्ली के एमसीडी सदन में लगातार ढिसुम ढिसुम चल रहा था। एक तरफ से बीजेपी के पार्षद थे तो दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के पार्षद। बता दें कि दरअसल कल दिल्ली को डिप्टी मेयर और मेयर मिल चुका, उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्यों का चुनाव होना था उसको लेकर काफ़ी बवाल छिड़ गया। बता दें कि दिल्ली का जो एमसीडी का जो स्टीयरिंग कमेटी है उसे 18 भागों में बांटा गया, जिसमें 12 जोन में दिल्ली एमसीडी जोन को बांटा गया और 6 सदस्यों को चुना जाता है जिसका कल वोटिंग होनी थी। लेकिन इसमें बीजेपी की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में मोबाइल फ़ोन लेकर पहुँच गए, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया तो मारपीट हो गई। वहीं वीडियो भी सामने आया जिसमें रेखा गुप्ता, जो कि उनकी कैंडिडेट थी बीजेपी की, वो माइक तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इसके तरफ से बीजेपी ने भी काफ़ी आरोप लगाए हैं और आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए हैं। शिवम, सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि आखिर मेयर का चुनाव हो गया, आखिर स्टैंडिंग कमेटी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि एमसीडी का सबसे पावरफुल कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी, जो कि सबसे ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि वो डिसीजन मेकर वही होती है। आपको बता दें कि चाहे वो नीति आयोग से रिलेटेड चीज़ें हो दिल्ली के लिए, या तो व्यवस्था बनाने के लिए एमसीडी में सारे फैसले स्टैंडिंग कमेटी करती है, जिसमें दो एक चेयरपर्सन एक डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। इसी के लिए ये पूरा बवाल खड़ा है शिवम। और इसके साथ साथ लेकिन सवाल ये है दिनकर कि माननीय इस तरह से अभद्रता का इस्तेमाल करेंगे, अभद्रता होगी एमसीडी के अंदर सिविक सेंटर में, किसी भी सदन की शायद ये पहली या दूसरी तस्वीर है कि लात घूंसे चल रहे हैं, जूते चप्पलों की बौछार, कोई किसी पर बोतल फेंक रहा है, कोई कटा हुआ सेब फेंक रहा था। अगर यही माननीय ऐसे करेंगे तो फिर जो इंस्पिरेशन है उन युवाओं के लिए जो पॉलिटिक्स में युवा जाना चाहते हैं, उनके लिए कैसे इंस्पिरेशन साबित होंगे। जी कतई ये लोकतंत्र के मंदिर में कल का एक घिनौना कहे तो घिनौना वीडियो सामने आया है, जिसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारत का लोकतंत्र अब कहाँ पहुँच रहा है। सदन में कभी जूते चल रहे हैं तो कभी पानी की बोतलें फेंकी जा रही है। लेकिन इसके पीछे ये दोनों ही पार्टियों का अलग अलग तर्क है। एक तरफ से आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी महिला मेयर के होने के बावजूद उनके साथ मारपीट की गई है, उनके ऊपर बोतल फेंका गया है, कुर्सी तोड़ी गई है। तो वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी गुंडई कर रही है, केजरीवाल के अर्बन नक्सल और फुल फॉर्म में आ गए हैं क्योंकि दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया है। उनका कहना बस है कि यही एक पुलिस विभाग जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, अगर ये केजरीवाल के पास चला जाए तो दिल्ली में इनका वही राज होगा जो आज पंजाब में चल रहा है। हालांकि आज पंजाब को लेकर भी इन्होंने काफ़ी सवाल खड़े किए, जैसे पंजाब में आज जो मामला हुआ थाने वाला, उसको लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए एमसीडी को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पवन खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इसका कांग्रेस नेताओं ने विरोध भी किया। वहीं पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां से पवन को जमानत दे दी गई है और अगली सुनवाई सोमवार को तय कर दी गई है। नितिन चौधरी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, रायपुर जा रहे थे तभी दिल्ली पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंचती है और पवन खेड़ा को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। फिलहाल क्या है पूरा मामला और क्यों आखिरकार हुई पवन खेड़ा की गिरफ्तारी? जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में चल रहा था, तो आज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं पवन खेड़ा और तमाम उसके जो बड़े नेता हैं वो रायपुर के अधिवेशन के लिए शामिल हो रहे होने के लिए जा रहे थे, लेकिन पवन खेड़ा जैसे ही इंडिगो फ्लाइट के अंदर बैठे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचते ही तुरंत उनको जो है दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो बताया जाता है कि आसाम की पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार करने की जो बात थी, एक संयुक्त टीम बना के इनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी कि इनको पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरीके से 18 फरवरी को इन्होंने एक बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी की थी, तो उस टिप्पणी को देखते हुए असम की जो पुलिस है और लखनऊ में भी इन्होंने एक बयान दिया था इसी चीज़ को देखते हुए, तो लखनऊ में भी इन पर एक मुकदमा पहले भी दर्ज है, लेकिन आज फिर असम के अंदर भी इन पर जो पवन खेड़ा हैं उन पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन उसके बाद में असम और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने पवन खेड़ा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि इन पर 3 मुकदमे जो हैं लगाए गए हैं। जिस तरीके से पवन खेड़ा नरेंद्र मोदी के पिता पे जो है अभद्र टिप्पणी की थी, तो उस टिप्पणी को देखते हुए आज दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया, जमानत उन्हें मिल गई, सोमवार को फिर सुनवाई होनी है। जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था, पवन खेड़ा सुबह से ही जो है उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी, कहा जा रहा है कि उनको जो है एयरपोर्ट इंडिगो जो एयरपोर्ट फ्लाइट है उसके अंदर जो है अधिवेशन के लिए वो जाने के लिए तैयार थे और अधिवेशन जो है रायपुर में चल रहा था, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहाँ पर जो है पहुँच रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँचता मामले की पूरी जाँच पड़ताल की जाती है, तो पवन खेड़ा को जमानत दे दी जाती है। कहा जाता है कि सोमवार तक इनको जो है जमानत दी गई, क्योंकि 3 इन पर जो मुकदमे हैं वो तीनों मुकदमे एक ही कोर्ट में चलेंगे जिस तरीके से बताया जाता है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इन दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे थे उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन वहाँ पर ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना था जिस तरीके से अधिवेशन रायपुर के अंदर चलने जा रहा था, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सवाल ये खड़ा होता है नितिन कि असम में बयान दिया था उसको 4-5 दिन तो मेरे ख्याल से हो गए जब पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी के पिताजी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, तो गिरफ्तारी आज होती है वो भी उस वक्त क्योंकि कल से 24 तारीख से कांग्रेस पार्टी का एक देशव्यापी बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है रायपुर में महाधिवेशन, उसमें शामिल होने के लिए पवन खेड़ा जा रहे थे और उससे पहले गिरफ्तारी होती है, तो कांग्रेस बोल रही है कि भाई जो डर रही है बीजेपी कांग्रेस के इतने बड़े कार्यक्रम से, बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, घबराहट है, इसलिए आप गिरफ्तारी करा रहे हैं। जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 18 फरवरी में जो ये बयान दिया था, ये अवध टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ, ये टिप्पणी जैसे ही होती है तो तुरंत जो है वहाँ की जो असम की पुलिस है उनके जो है संयुक्त से और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम से जो है पवन खेड़ा को जो है दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद ही पवन खेड़ा जो है ट्वीट करते हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और तमाम बड़े नेता भी माने जाते हैं कांग्रेस के, क्योंकि जिस तरीके से पवन खेड़ा को आज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पवन खेड़ा का कहना है कि जिस तरीके की ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं का भी यही कहना कि हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले भी भारत जोड़ो यात्रा में ये मामले देखने को मिलते रहे थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता आज जो है दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनका यही कहना है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को घबराहट हो रही है जो जाए रायपुर के अंदर जो है कांग्रेस का अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसको भी बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी ने पहले भी यही मामले कराए थे कि जिस तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात यहाँ पर ठहराने के लिए कांग्रेस लगी हुई थी कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में काफी चूक देखने को मिली थी। लेकिन उसी के बाद ही आज जब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस और असम की पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया गया था, तो उसको देखते हुए पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जो है राहत मिलती है और साथ ही उसी को देखते हुए। बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक विश्वा यादव को 22 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया गया है। MPMLA कोर्ट ने साल 2001 में हुए बवाल और आगजनी के मामले में विश्वा को दोषी करार दिया है। उन्हें 1.5 साल की सजा के साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया उन पर। वहीं अगर 2 साल से अधिक की सजा होती तो विजमा की सदस्यता समाप्त हो गई होती।
शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव प्रयागराज से। शोएब, देखिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर लगातार गाज गिरती जा रही है। हमने पहले देखा आजम खान की विधायकी चलेगी रामपुर से, स्वार सीट से आजम खान के पुत्र की विधायकी चलेगी अब्दुल्ला आजम की, और अब विजमा यादव की विधायकी पर खतरा मंडराते मंडराते टल गया। मतलब 1.5 साल की सजा हुई, अगर 6 महीने और एक्सटेंड हो जाता, 2 साल की हो जाती तो विधायकी भी चली जाती। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विजमा यादव के लिए आज सिर्फ यही राहत की बात है। हालांकि उन्हें 1.5 साल की सजा मिली है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 22 साल ये पुराना मामला है। उन पर गंभीर आरोप थे, न सिर्फ उकसाने का आरोप था बल्कि पुलिस टीम पर हमले का भी आरोप था। और ऐसे में लंबी प्रोसीडिंग के बाद फैसला सुरक्षित हुआ था और उस पर आज कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुनाया और उन्हें दोषी सिद्ध उन पर हुआ और उसके बाद उन पर जो सजा हुई है वो 1.5 साल की हुई है। ये जरूर है कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों की सजा की वजह से ही विधायक की सदस्यता जा चुकी थी। ऐसे में आज भी ये लग रहा था कि हो सकता है इस मामले में किस तरह की सजा कोर्ट की तरफ से आती है और विजमा यादव के आगे का भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरे मामले में सजा आई उससे उनके लिए थोड़ी ये राहत जरूर रही है कि उन्हें 1.5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना दिया गया है। हालांकि बाद में उनकी बेल भी एक्सेप्ट कर ली गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें इस मामले में सजा जरूर मिली है 1.5 साल की। सराय इनायत की यहाँ प्रयागराज में एक थाना है, वहां पर ये मामला दर्ज हुआ था और ये उन पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था और साथ ही साथ पुलिस पर हमला। लेकिन शोएब, इस सजा को क्या कहें, मतलब इस सजा को राहत कहें एक तरह से या कहें कि विजमा यादव को झटका लगा है? बिल्कुल, अभी फिलहाल उनके लिए राहत ही कही जा सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरा था वो उनकी विधानसभा सदस्यता का था, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म था। विधि के जो जानकार थे, जिस तरह के जिन धाराओं पर उन पर मुकदमा चला था, जिस तरह के उन पर आरोप थे, उससे कहीं ना कहीं डर बना हुआ था कि उन्हें सजा अगर 2 साल से ज्यादा मिलती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। लेकिन ये राहत जरूर कही जा सकती है उनके लिए इस मामले में। हालांकि उन्हें दोष सिद्ध उन पर हुआ है, उन्हें दोषी करार दी गई है, उन्हें 1.5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है, तो कानूनी रूप से उन्हें पनिश किया गया है, सजा भी मिली है। लेकिन राहत सिर्फ विधानसभा की जो सदस्यता है उसको लेकर के जरूर हुई है कि वो उस दायरे से बाहर रही है, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता पर अब कोई खतरा फिलहाल नहीं है। यानी झटका भी है और राहत भी है, दोनों तरह से इसका कॉम्बिनेशन एक तरह से अगर निकाला जाए तो ये देखा जा सकता है। लेकिन शोएब, मैं आपको फ्लैशबैक भी ले जाना चाहता हूँ। 2001 में बवाल हुआ था, उस पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, दरअसल वो मामला पूरा क्या था? बिल्कुल, ये पूरा सराय इनायत में एक मौत हुई थी जिस पर आरोप था हत्या हुई है और इस तरह से लेकर के उनकी जो बॉडी है जिनकी हत्या हुई थी उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उस प्रोटेस्ट के दौरान ही ये पूरा मामला हुआ था, जिसमें लोग थोड़ा सा आक्रोशित हुए थे, पथराव हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, तो उसको लेकर के बाकायदा पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया था। ये पूरे घटनाक्रम में कई पुलिस वाले घायल भी हो गए थे, जिसको लेकर के बाकायदा सराय इनायत जो थाना है वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी के बाद इसकी प्रोसीडिंग की गई। 14 और लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे, हालांकि ज्यादातर लोगों को बरी कर दिया गया, इनको ही सजा दी गई है 1.5 साल की। तो ये एक गंभीर मामला दर्ज हुआ था उनके खिलाफ, पुलिस पर हमला के साथ साथ उकसाने का और भी कई। बहुत शुक्रिया आपका शोएब थॉमसन, इस जानकारी को साझा करने के लिए। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने भाषण में यूपी में जातीय आधारित जनगणना कराए जाने की मांग कर डाली और उन्होंने कहा कि बिना जाति जनगणना के सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने आगे कहा कि सपा ने पहले भी मांग की है और अब भी इसके पक्ष में है कि यूपी में जातीय जनगणना की जानी चाहिए। अखंड प्रताप शाही, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए लखनऊ से। अखंड, हमने देखा आज किस तरह से विधानसभा के अंदर बवाल कटा, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मांग कर डाली जाति जनगणना सरकार कराए और जाति जनगणना से सरकार इतना डर क्यों रही है? अखंड, बिल्कुल, और ये अखिलेश यादव जाति जनगणना को लेकर जिस तरीके से अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं और जिस तरीके से अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, उस स्टैंड को देखते हुए लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बार फिर मंडल 2
लागू कराना चाहती है या मंडल टू की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पूरी तैयारी जो चल रही है समाजवादी पार्टी की, जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उसमें कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दे तो हैं ही, उसमें इसके अलावा जातीय जनगणना को आधार बनाकर ओबीसी मुस्लिम गठजोड़ की भी बात की जा रही है। कहीं ना कहीं यादव और MY जो समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसमें इजाफा करने की कोशिश में है अखिलेश यादव, और साथ में जो पिछड़ों का साथ, अति पिछड़ों दलितों का साथ लेने की भी कोशिश उनकी चल रही है। बहरहाल ये समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड है जो पहले दिन से ही क्लियर है, और लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव बजट सत्र के शुरुआत के दिन जिस तरीके से हमलावर थे सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से उनके विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठे थे, वैसा ही कुछ आज जब सदन में अखिलेश यादव बोल रहे थे तो देखने को मिला। तो ये पूरी तैयारी जो समाजवादी पार्टी की है, वो पूरी तैयारी कुछ ऐसी ही है कि सरकार को जातीय जनगणना पर लाकर बैकफुट पे लाया जाए, उससे सवाल किए जाएं, और इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं एक विमर्श खड़ा किया जाए जो कि 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राह आसान कर सके। लेकिन एक सवाल यह भी बनता है अखंड, कि 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही सूबे में, तब जाति जनगणना क्यों नहीं लागू की उन्होंने, कब क्यों नहीं जाति जनगणना कराई? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री रहे, तब जाति जनगणना की मांग क्यों नहीं उठी, तब जाति जनगणना क्यों नहीं कराई गई? जाहिर सी बात है ये सवाल तो उनसे बनता ही है, और हाँ। इसको लेकर बीजेपी खुद भी हमलावर रही है। जब पलटवार किया है बीजेपी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूरे कामकाज, पूरी प्रणाली पे, उनके कामकाज की प्रणाली पे, उस समय के कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया, उस समय के लचर तमाम जो प्रशासनिक सेवाएं थी उनको उसका हवाला देते हुए उन्होंने उनके ऊपर हमला बोला। तो तमाम सारे हमलावर जवाब और प्रत्यारोप, ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक चीज बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी अब अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, उसको 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है, और बीजेपी भी अपने जो चुनावी जो बजट है उस बजट में कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को साधने की तरफ और मजबूती के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बहरहाल अब जंग जो है दोनों ही पार्टी, समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि ये जंग में दूसरा कोई और भागीदार ना हो, बीजेपी के मुखालफत में अगर कोई दिखाई दे तो केवल समाजवादी पार्टी दिखाई दे। ये जो लेकिन कैसे चुनावी मुद्दा माना जा सकता है अखंड, कैसे चुनावी मुद्दा समझ के मान सकते हैं चुनावी मुद्दा, क्योंकि 24 में चुनाव भी है, 24 के चुनाव से पहले तमाम जातियों को अपनी ओर करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक नया दाव है। निश्चित तौर पर ये समाजवादी पार्टी के इस दांव को सियासी दांव या चुनावी दांव से अलग करके देखना बेमानी होगा। हाँ। ये कहीं ना कहीं 2024 के जो लक्ष्य को लेके चल रही है समाजवादी पार्टी, उसमें एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहती। सरकार को घेरने के लिए उसकी सबसे बड़ी रणनीति ये भी है कि वो सरकार पर इस तरीके से हमला बोलना चाहती है कि दूसरी कोई पार्टी उसमें सरकार की मुखालिफत में विपक्ष की भूमिका अदा करती हुई ना नजर आए। तो यानी वो बहुजन समाज पार्टी से भी वो मुद्दा छीनना चाहती है, कांग्रेस से भी मुद्दा छीनना चाहती है। ये अलग की बात है कि अपने राज में, अपने शासन के समय में जब उन्होंने ये जाति जनगणना नहीं कराया था, उस मसले को का जवाब देना अभी समाजवादी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर होगा। बहरहाल ये सारी चीजों के बीच में भी ये तय है कि समाजवादी पार्टी जिस रुख के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 2024 का लक्ष्य लेकर चल रही है, उसके पूरे लक्ष्य में एक चीज तो साफ है कि जातीय जनगणना, ओबीसी, पिछड़ा और तमाम जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको साथ लाने की उनकी कवायद, उनकी मंशा उसमें जरूर शामिल है। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है, जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है, जिस तरीके से अपने बजट में तमाम योजनाओं को सजा करने के लिए। उधर बिहार की राजधानी पटना में इन दोनों नौकरी मांगने आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के बदले पुलिस की लाठियां खाकर वापस घरों को लौटना पड़ रहा है। जी हां, और कुछ ऐसा ही गुरुवार को यहां देखने को मिला। BTSC के हजारों छात्र एक बार फिर से राजधानी की सड़क पर उतर आए। ये सभी BTSC कनीय अभियंता के अभ्यर्थी थे जिनकी मांग थी कि रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु दो। तो राजधानी के तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले इन अभ्यर्थियों को BJP कार्यालय के पास ही पुलिस ने रोक दिया। अभ्यर्थी और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली, तो वहीं पुलिस ने अभ्यर्थियों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं।
रजनीश शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त पटना से जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। रजनी, क्या है पूरी खबर, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, बताते चलो कि बेटी इसके ये वो चाइनीज जूनियर इंजीनियर थे जिन्होंने 2019 में परीक्षा दी थी और 2022 में यानी 4 साल बाद इनका रिजल्ट निकला था और 600 पदों पर इनकी बहाली हुई थी और उसके बाद इस पे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद फिर सरकार ने यह जारी किया गया था कि सरकार नए रूप से बहाली लेगी और इसको लेकर आज ये तमाम जो अभ्यर्थी थे सफल अभ्यर्थी थे ये आज पटना के अभियंता भवन में एकत्रित हुए थे और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी दफ्तरों को घेरने की इनकी तैयारी थी। लेकिन जैसे ये पुलिस को पहले से ही भनक लग गई और पुलिस वहां से पूरी के पूरे जो अभियंता भवन थे उसको पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया और वहां से डिस्टेंस जब ये कनी अभियंता निकलकर और पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगे उस समय इन्हें रोकने की कोशिश की गई और बल प्रयोग किया गया। इन्हें भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां झटकानी पड़ी। जी लेकिन अभ्यर्थी तो मांग कर रहे थे कि हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए, नियुक्ति पत्र तो दिया नहीं गया, उन पे लाठियां बरसा दी पुलिस ने। देखिए, नियुक्ति पत्र मैंने बताया कि दरअसल 2019 में इनकी परीक्षा हुई थी, बीटीएससी के आयोग के द्वारा परीक्षा ली गई थी, 4 साल बाद यानी 2022 में इनका रिजल्ट आया था। लेकिन रिजल्ट आने के कुछ ही दिन बाद हाईकोर्ट ने इन पे इस पे रोक लगा दी थी और कहा गया था कि सरकार अब नए रूप से बहाली लेगी और जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे और इसी विरोध के दम पे इसी विरोध के को लेकर ये यहाँ प्रदर्शन और हंगामा कर रहे थे। इस हंगामा को रोकने के लिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। बिहार में लाठियों की बहार है नीतीश कुमार है, क्योंकि सुशासन बाबू तो कहते हैं कि बिहार में रामराज जा गया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ तो युवा लाठियां खा रहे हैं और फिर इन युवाओं का आक्रोश निकलता है रेल की पटरियों पर, ट्रेनों के डिब्बे में, तो आप इनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। रजनी, बिल्कुल, देखिए ये आज पहली बार नहीं है जब इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए निकले थे। हालांकि इनकी जो मांग थी वो कोर्ट के आदेश के कोर्ट के स्टे लगाने के बाद से ये रोकी गई थी, लेकिन इस तरह की जो प्रदर्शन है और प्रदर्शन पे भीड़ पर जिस तरह से लाठियां बरसाई जाती है ये पहली बार नहीं हुआ है। हाल के दिनों में ये इसके पहले भी हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है जब छात्र अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो इन्हें स्पष्ट तौर पर सुना नहीं जाता है बल्कि उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन पर लाठियां चटकाई जाती है। ये जो प्रदर्शन होता है उस प्रदर्शन को बलपूर्वक रोकने की कोशिश होती है। अब जरूरत इस बात की है कि इन तमाम मसलों का हल किस तरह से निकाला जाए, कोई आगे आए जो आकर बात करें, छात्रों की समस्याओं को सुने और उसका निजात इन्हें निजात दिलाए, इस समस्या के हल पर लेकर बात करें। लेकिन ये कभी कवायद होती नहीं है और इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, कभी पार्टी का कार्यालय के घेराव किए जाते हैं, कभी सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, नंग धड़ंग प्रदर्शन होते हैं, तो ऐसे में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आए दिन पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ती है। तो जरूरत इस बात की है कि इन तमाम मसलों पर कोई आगे आए, सरकार का कोई नुमाइंदा आ गया और इन प्रदर्शनकारियों से ढंग से बात करें। जी लेकिन सब्र की भी एक परीक्षा होती है, सब्र का इम्तिहान सरकार आखिरकार रजनी कब तक लेगी? आप बता रहे हैं कि 2019 में इनकी परीक्षा हुई और 2023 चल रहा है, 20, 21, 22 तीन साल गुजर गए हैं, इनके सब्र की बांध को टूट चुके, तो सब्र का बांध तो टूटेगा ही, क्योंकि इनके पास विकल्प भी नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में तय खबर लगातार जारी है।